राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत सकट सहित अन्य ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर आज प्रथम गुरुवार को ग्राम विकास अधिकारियों के हड़ताल पर होने के कारण त्रिस्तरीय जनसुनवाई कार्यक्रम ठप रहा। वहीं ग्राम पंचायत सकट के कार्यालय का 11:32 तक किसी भी कर्मचारी के नहीं पहुंचने के कारण कार्यालय बंद रहा। जानकारी के अभाव में ग्रामीण इधर उधर भटकते रहे। बाद में करीब 11:35 पर सहायक ग्राम विकास अधिकारी महेश सैनी पहुंचे, तब ऑफिस खुला। ऑफिस खुलने के बाद ग्रामीणों ने जनसुनवाई होने की बात कही, तब महेश सैनी ने बताया कि जनसुनवाई नहीं होगी और कहा कि आज कोई जनसुनवाई नहीं है। ग्रामीणों के जनसुनवाई के प्रार्थना पत्र देने पर लेने से इनकार कर दिया। कहा कि सेक्रेटरी आज हड़ताल पर है और उनसे बात कर लो। ग्रामीणों ने बताया कि इनका रोजाना का ऐसा ही काम है, कभी टाइम पर कार्यालय नहीं खोला जाता और लोग ऐसे ही परेशान होकर चले जाते हैं। मकानों के पट्टे भी अभी तक वितरित नहीं किए गए हैं। काम भी समय पर नहीं होने के साथ उनकी ग्राम पंचायत में सेक्रेटरी टाइम पर नहीं आते। विकास अधिकारी नेत्राम मीना ने बताया कि सहायक ग्राम विकास अधिकारी महेश सैनी के पास बिगोता का मुख्य चार्ज है और सकट का एडिशनल चार्ज होने के कारण व्यवधान होने से काम बाधित हो रहे हैं। ग्राम विकास अधिकारी विजेंद्र सिंह बबेली ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारियों की हड़ताल होने से प्रदेश में ग्राम पंचायत के कार्य ठप हुए हैं। इस मौके पर ग्रामीण कोकली देवी, हरिराम, हरि यादव, छोटे लाल, विमल यादव सहित अन्य ग्रामीण मौजूद थे। आज जनसुनवाई, आप एक एप्लीकेशन दे रहे हैं, एप्लीकेशन ले लो। एप्लीकेशन जनसुनवाई नहीं है आज, त्रिस्तरीय वाले जो नहीं बृहस्पति, हाँ बृहस्पतिवार पहले ही आज। सेक्रेटरी साहब क्या कह रहे हैं? सेक्रेटरी साहब नहीं आएंगे? मेरे को पता नहीं, आप बात कर लो, फोन नंबर दे दिया मैंने। और ये ऑफिस 11:30 खुला, इसका कारण ऑफिस का आप 11:32 पे आके जो ऑफिस खोल रहा है इसका, ऑफिस में 10 बजे आकर जीओ टाइम कर रहा है। नहीं, जो ऑफिस 11:32 तक लॉक लग रहा था आईटी केंद्र, मैं अकेले कर्मचारी हूं, सेक्रेटरी साहब भी है, मेरे पास दो पंचायत भी है, ये भी है, दोनों पंचायत में जाऊंगा।